बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखरम होंगे। सुबह हो गई है, तैयार कर रही हूँ नाश्ता। सादी रोटी बना रही हूँ और इसलिए बना रही हूँ कि ये देखें, ये चने और आलू का सालन जो था वो कल मैंने तैयार किया था, तो बच्चों ने कहा था कि नाश्ते में जो है ना ये ज़रूर खाना है। हमने चाय भी बन रही है साथ साथ, तो इस तरह ये देखें ये रोटी जो है ना वो मैं सादी बना रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे कि हमने इसके साथ सादी रोटी खानी है, तो इसलिए मैंने ना इनके लिए सादी रोटी बनाई है। तो ये देखें रोटी फूल भी गई है, तैयार करके रोटियाँ रखती हूँ सारी और फिर मैं इनके लिए नाश्ता लगाऊंगी। दूसरी रोटी डाल दी है चूल्हे पे और तवे पे, सॉरी। और ये देखिए चाय जो है ना वो उबल रही है, तो कल रोज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज इस महीने का आखिरी नाश्ता हम इस टाइम पे कर रहे हैं, वरना तो फिर सुबह सहरी में ही होगा नाश्ता। तो रोटियाँ जो हैं वो तैयार हो रही हैं, बच्चों के लिए रोटियाँ बन गई हैं और अब ये बन रहा है मेरा पराठा। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पराठा ही खाती हूँ नाश्ते में, एक साइड से बस घी लगाती हूँ, ये नहीं कि उसको मैं नाम पराठे का दे देती हूँ। अंडा भी फ्राई हो रहा है जी, पराठा भी बन गया है, रोटियाँ भी बन गई हैं और अंडा भी मैं बहुत थोड़े से घी में फ्राई करती हूँ अपने लिए, बहुत ज़्यादा मैं घी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसीलिए आप देखिए नीचे से पक रहा है, लेकिन मैं इसको ठीक कर लूँगी। मैं इस तरह अंडा खाती हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे खाऊंगी। इसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए अंडा फ्राई कर लिया है, इस पर मैंने नमक भी डाल लिया है और अब देखिए मैं इस पर डाल रही हूँ मिर्चें। ये देखिए ये इस तरह मैं अंडा खाती हूँ शुरू से, बचपन से, तब भी मुझे मिर्चें नहीं लगती थी। तो पराठा भी बन गया है और अंडा भी, रोटियाँ भी पक गई हैं, नाश्ता जो है हमारा तैयार है, चाय भी बन गई है। तो चलिए ये नाश्ता करते हैं। तो कैसी लगी है आपको आज की ब्रेकफास्ट वाली वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियो को स्किप ना करा करें, एंड तक देखा करें। मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है और रमज़ान शुरू हो रहा है, सबके लिए अल्लाह ताला खुशियों भरा रमज़ान जो है ये आए और हर एक किसी की मुश्किल जो है वो दूर हो, आमीन सुम आमीन। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।